हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पुरानी शॉल से बनाने जा रहे हैं जैकेट, जो आप कुर्ती के ऊपर पहन सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब मैं जैकेट की लेंथ ले लूँगी और ये बॉर्डर में काट के अलग कर लूँगी। इससे मैं यहाँ पे जैकेट बना रही हूँ 15 इंच का। ये यहाँ पर 15.5 इंच आ रहा है, इसमें से आधा इंच ऊपर से शोल्डर से पे सिलाई में चला जाएगा और बाकी का हमारा जैकेट तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं नीचे से फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बॉर्डर है, तो ये हमें हमारी 15 इंच की जैकेट तैयार हो जाएगी। अब मैं यहाँ से इसमें जैकेट का इसमें जो बॉर्डर है वो अलग कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे इसे 4 फोल्ड में रख लिया है। ये देखिए, ये यहाँ से ओपन साइड है और ये क्लोज साइड है। अब इसकी वेट मैंने रखी है 10 इंचेस, क्योंकि मेरा जो साइज़ है वो 8.5 है ऊपर से। अब यहाँ से हम गले की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से मैं लूँगी 3 इंच फ्रंट का गला और गले की वेट होगी 2.5 इंच। इसको मैं 2.5 इंच रखूँगी। अब हम इसका बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स बना के हम इसमें गला बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें गोलाई दे दी है और यहीं पे हम पीछे की गले की मार्किंग कर लेंगे। वो मैंने रखा है 1.5 इंच। इसमें भी हम बॉक्स बना के इसकी गोलाई दे रहे हैं। अब इसके बाद मैं इसका शोल्डर रखूँगी यहाँ पे 3.5 इंच। अब इसके बाद आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊँगी। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ 8.5 इंच, जो कि 4 फोल्ड में 34 इंचेस बैठता है। और यहाँ नीचे में मैं मार्क करूँगी 7.5 इंच। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद जितना मार्जिन ऊपर बचा है उतना मार्जिन में नीचे भी बना के इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर के 1 और 1.5 इंच का आर्म होल का मार्क करेंगे। अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। अब हम इधर 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे आगे का और पीछे का आर्म होल दोनों पे निशान लग गए हैं। मैं इनको जरा सा डार्क कर रही हूँ। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले हम पीछे का गला कटिंग करेंगे। और साथ के साथ हम इसमें पहले पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हम जो बैक साइड का पल्ला है वो अलग कर लेंगे। ये देखिए, इसको मैं अलग कर लूँगी यहाँ से हटा के। अब इसके बाद हम आगे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसमें से आर्म होल छांट लेंगे। अब इसके बाद हम आगे के गले की कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैं इसकी मार्किंग में थोड़े से कट कर रही हूँ ताकि हमें बाद में आसानी हो। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे।
इसमें स्लीव में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने अलग से काट के लगाया है इसको। ये देखिए, हम इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के रखेंगे और फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। हल्का सा एक पैर के दबाव के अनुसार हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और अब फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इधर क्लोज साइड है और ये इधर साइड को ओपन है। अब हम सबसे पहले इसमें केप का निशान लगाएंगे। कैप हम लेंगे इसमें 3.5 इंच। अब यहाँ पे 3.5 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ पे 1 इंच अंदर से मैं मार्क कर लूँगी। हम इसके यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक का आधा कर लेंगे। 7.5 इंच बैठ रहा है इसका, आधा इंच टेप आधा फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे और आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे और इसके बाद इसको गोलाई दे देंगे। अब हम इसमें दूसरी मार्किंग भी कर लेंगे। ये हम थोड़ा सा डाउन करेंगे इसको, आगे के बाजू के लिए हम इसे थोड़ा सा डाउन करेंगे और बस इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और नीचे से जो मेरे बाजू की विड्थ है वो मैं लूँगी 4.5 इंच और हम इस दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और लेंथ मैंने इसकी 15 इंच ली है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं हुआ था। आपको अगर फुल स्लीव बनानी है तो 22 इंच ले लीजिए अपने मेजरमेंट के अनुसार। और इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे से इसको 1 इंच का मार्जिन देके इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम पहले इसको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अभी इसकी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसको ओपन करके आगे की स्लीव की कटिंग भी कर लेंगे। अब इसमें से हम दो पल्ले अलग करके, देखिए हमारी पूरी स्लीव की कटिंग तैयार हो गई है। बस इसमें से अब आगे का हमें बाजू में थोड़ी सी डेप्थ देनी है, इसकी भी हम कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। और ऐसे ही हमारे जो जैकेट की कटिंग है वो पूरी हो गई है। अगर आपको स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसको चेक कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।